राजधानी जयपुर से एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक चचेरे भाई ने अपनी ही नाबालिग बहन के साथ में दुष्कर्म किया। खास बात इस घटना की ये रही कि इस घटना का उस वक्त पता लगा जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ और परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां जनाना अस्पताल में बच्ची के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। इस दौरान बच्ची ने परिजनों को अपनी आपबीती बताई और चाचा की घिनौनी करतूत की जानकारी दी। इस पर बच्ची के परिजनों ने सिंधी कैंप थाने में मामला दर्ज करा है और बच्ची के पर्चा बयान के आधार पर सिंधी कैंप थाना पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर ली है। रिपोर्ट सवाईमाधोपुर के बौरी थाने को भेज दी गई है। थाना प्रभारी जुल्फिकार अली के मुताबिक आरोपी युवक बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर कई महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमारे पास कंट्रोल रूम से मेडिकल इत्तला आई थी, जिस पे हमने जाके देखा तो बच्ची नाबालिग थी, लेडीज का मामला था। तो उच्च अधिकारियों से बात की, बयान के लिए सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर को बुलाया, उसने बयान लिए। उसके पर्चा बयान के आधार पे मामला यौन शोषण का पाया गया। तो 0 नंबरी FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन हेतु बोली जिला सवाईमाधोपुर थाना भिजवाई गई। उसके सगे ताऊ का लड़का था जिसने उसका यौन शोषण किया और